प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पहुंचे हैं। मैं आज नरेंद्र भाई का यहां पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आप देखिए एमएसपी को लेकर यहां ये कितना शोर मचाते हैं, जबकि हमारा हरियाणा देश का वो राज्य है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। हरियाणा की भाजपा सरकार सिर्फ एमएसपी देती है इतना ही नहीं, बल्कि भाव का अंतर भी देती है, भावांतर योजना चलाती है। मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं, वो लोग कर्नाटका और तेलंगाना में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, वहां किसानों को कितना एमएसपी देते हैं? साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार ने किसान का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आप यूरिया का उदाहरण देख लीजिए, यूरिया का उदाहरण हमारे सामने है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3000 रुपए की बिकती है, वही बोरी आपको सिर्फ 300 रुपए से कम में दी जाती है। कहां 3000 दाम और कहां 300 से भी कम में मिलना। इसके लिए केंद्र सरकार ने बीते सालों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए जो किसान के सर पे पड़ने वाले थे वो पड़ने नहीं दिए। 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ दिल्ली की भाजपा सरकार ने उठाया है ताकि मेरे किसान पर बोझ न बढ़े। साथियों, मैं आपसे एक और बात पूछूंगा, क्या कांग्रेस के राज में किसी किसान के खाते में कभी पैसा जमा होता था क्या? जरा जोर से बताइए ना, होता था क्या? एक रुपया भी आता था क्या? ये लोग एक पाई भी नहीं देते थे। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने का काम भाजपा ने किया है। किसान सम्मान निधि के रूप में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हमने किसानों के खाते में जमा किए हैं, 3.25 लाख करोड़। साथियों, कांग्रेस किसानों को अपने हाल पर छोड़ देती है। मैं आपको फिर कर्नाटका का उदाहरण दूंगा जहां कांग्रेस की सरकार है। देखिए कर्नाटका में क्या हो रहा है। कांग्रेस के सिर्फ कुछ महीनों के राज में आप सुनकर के चौंक जाएंगे, कुछ ही समय के राज में कर्नाटका में करीब 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। अरे डूब मरो कांग्रेस के लोग, आपके मुंह में किसान के नाम पर झूठ फैलाने का पाप पड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि सूखा पीड़ित किसानों की कांग्रेस वहां की सरकार ने मदद नहीं की। और ये झूठे लोग यहां हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साथियों,
कांग्रेस की राजनीति झूठे वादों और देश में अराजकता फैलाने के हथकंडों तक ही सीमित हो चुकी है। आप जरा याद कीजिए, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई, इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। साथियों, कांग्रेस ने किसानों के साथ ही हमेशा देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को भी धोखा दिया है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू की। इससे हरियाणा के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली है अकेले हरियाणा में, जबकि कांग्रेस ने तो पूर्व सैनिकों को भी अनेक दशकों तक इसके लिए लटकाए रखा था। और जब मुद्दा बड़ा हो गया तो बजट में सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखे ताकि पूर्व सैनिकों की आंखों में धूल झोंक सके। साथियों, मुझे बराबर याद है 13 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था और मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम 15 सितंबर को रेवाड़ी में हुआ था, पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम हुआ था और मैंने पूर्व सैनिकों के सामने मन से सामने सर झुकाकर कहा था कि मैं आपकी तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं वो आरोपी लागू करूंगा। कांग्रेस वालों ने 500 करोड़ का खेल खेला था। साथियों, सरकार में आने के बाद हमने वो आरोपी लागू किया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही हमने ओआरओपी का तीसरा रिवीजन भी कर दिया है और इस अक्टूबर से मेरे पूर्व फौजी भाइयों को इसका भी लाभ मिलने लग जाएगा। साथियों, मैं यहां आने से पहले जम्मू कश्मीर में था, वहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 धारा 370 को फिर से बहाल करने का समर्थन कर रही है। क्या ये आपको मंजूर है? क्या कश्मीर को अलग होने देना है? ऐसा पाप करने वाली कांग्रेस को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? यानी कुछ साल पहले तक वहां हरियाणा के हमारे वीर सैनिकों पर जो पत्थर चलते थे, आतंकवादी बम बंदूक की गोलियां चलाते रहते थे,
मेरे हरियाणा के वीर सपूत हर सप्ताह कहीं न कहीं से तिरंगे में लपेटकर उनका शरीर घर लौटता था, वो शहीद हो जाता था। कांग्रेस धारा 370 वापस लाने का समर्थन करके उस दौर को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस आतंक और अलगाव के उस कालखंड को वापस लौटाना चाहती है, वो कालखंड जिसके कारण हरियाणा की अनेक माताओं को अपनी संतानें गंवानी पड़ी। कांग्रेस हरियाणा की माताओं से उनकी संतानें छीनना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस को आर्टिकल 370 फिर वापस लाने देंगे क्या? देश लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? साथियों, कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। साथियों, गांधी जी हमेशा सत्य की वकालत करते थे। आजादी के बाद कुछ वर्षों तक कांग्रेस पर भी महात्मा गांधी जी के संस्कारों का असर रहा, लेकिन आज ये वो पुराने वाली कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस जाने ये अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। कांग्रेस को अब झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती। कांग्रेस का झूठ पकड़ा जाता है तो भी उसको शर्म नहीं आती है। कांग्रेस हर रोज एक नया झूठ बोलती है। कांग्रेस देश की एकता पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस द्वारा पूरी तरह से नक्सलवादी विचार देश पर थोपा जा रहा है। भाजपा को बदनाम करने के लिए, उसे भारत को बदनाम करने में शर्म नहीं आ रही है। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहना है। साथियों, आज मैं हरियाणा की धरती से एक और विषय उठाना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है।
इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये नेहरू जी के शब्द हैं। नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए काका साहब कालेरकर का जो कमीशन गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट आई थी, ओबीसी समाज का भाग्य बदलने वाली रिपोर्ट थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा कर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था उस समय, और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था। और आप ये भी याद रखिए, राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में भी ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है, उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में, ये शब्द उनके हैं मैं बताता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने यहां तक कह दिया था, आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था, ये राजीव जी ने। एससी एसटी ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले, जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब अंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। साथियों, कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है? हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है? 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है?
2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था, फिर 2014 में दलित बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस शर्मनाक घटना को याद करके ही रूह कांप जाती है। तब हमने ये भी दिखाया था कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी और इनका दिल्ली का शाही परिवार सबके सबके मुंह पर ताले लग गए थे। इसलिए कांग्रेस से यहां के दलित समाज को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। मैं तो कांग्रेस से एक और बात बताऊंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार पूरी ईमानदारी से हरियाणा के विकास में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस की सरकार के दौरान यहां भ्रष्टाचार ही संस्कार बन गए थे। इसका बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा के नौजवानों को हुआ। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। भाजपा सरकार ने खर्ची पर्ची के इस खेल को बंद कर दिया है। इसकी प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। भाजपा सरकार ने पूरी पारदर्शिता से यहां करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 25,000 युवाओं को नौकरी देने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने उसमें अड़ंगा डाल करके रख दिया। लेकिन हरियाणा के नौजवानों, आप चिंता मत करिए, 8 अक्टूबर के बाद फिर भाजपा सरकार बनेगी तो इसी कार्य से नए कार्यकाल का श्री गणेश किया जाएगा। साथियों, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार आने का मतलब है सबका विकास, तेज विकास। तीसरे टर्म में कुरुक्षेत्र को सांस्कृतिक पर्यटन का बड़ा सेंटर बनाने का हमारा अभियान तेज होगा। गीता महोत्सव और ज्योतिसर अनुभव केंद्र यहां बन चुके हैं। संत रविदास जी के भव्य स्मारक पर भी काम शुरू हो चुका है। विकास कैसे हर काम तेजी से हो, इसके लिए तीसरी बार यहां पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनानी है। 5 अक्टूबर को कमल निशान पर उंगली दबानी है। आप सभी के आशीर्वाद, फिर एक बार भाजपा सरकार बनाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े उमंग और उत्साह के साथ आए हुए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत।